कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का एक सवाल लेके आए हैं। दिए गए आकृति का TSA ज्ञात करें, यानी टोटल सरफेस एरिया ए। ये कैसा आकृति है? तो आइसक्रीम की तरह। आइसक्रीम तो आप लोग खाए होंगे मेला में, खूब खाते हैं, खाते कि नहीं खाते हैं? तो आइसक्रीम जो है ये आइसक्रीम ही है, आइसक्रीम की तरह है। तो इसका क्या निकालना है? TSA निकालना है। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि इसका डायमीटर दिया हुआ है 4, व्यास, टोटल हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ये भी इधर भी त्रिज्या होगा 2 सेंटीमीटर। और ये क्या है? अर्धगोला की तरह है, सेमी हेमिस्फीयर, अर्धगोला। तो इसका जो पूरा का जो होगा, पूरा का जो सरफेस एरिया होगा TSA होगा, अर्धगोला का सरफेस एरिया प्लस शंकु का सरफेस एरिया। तो देखिए TSA कितना होगा? CSA अर्धगोला प्लस CSA शंकु, यही होगा। तो हमको क्या डेटा चाहिए इसमें? तो पहले CSA निकाल लेते हैं अर्धगोला का। तो अर्धगोला का CSA निकालने के लिए क्या चाहिए? 2πr² कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 × π, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22/7। r² r कितना है? देखिए r कितना है? 2 है। टोटल व्यास कितना है? 4, तो आधा 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको गुना करते हैं हम लोग, 2 × 4 = 44, 44 × 4/7 कितना होगा? 4 × 16 = 6, 17 × 7 = 176/7। कोई दिक्कत नहीं है। इसको भागा कर देते हैं, निकाल ही देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 7 × 2 = 14, कितना बचा? 3 × 14 = 17, 3 बचा, 3 × 6 कितना हो गया? 36। तो 7 × 5 = 35, कोई दिक्कत नहीं। बचा 1, 1 में 1 0 पॉइंट हो गया, 10 1, बचा 3, तो 7 × 4 = 28, ये हो गया 25.14 cm² निकल गया अर्धगोला का क्षेत्रफल। अब निकालते हैं ये शंकु का जो है पाठ का क्षेत्रफल, यानी CSA। CSA किसका? CSA चाहिए शंकु का, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए शंकु का क्या होता है? CSA बता चुके हैं, πRL। तो R तो शंकु का ही होगा जो अर्धगोला का है, ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट R मालूम है, L नहीं मालूम है। तिरछी ऊंचाई बताए हैं, तो तिरछी ऊंचाई हमको निकालना पड़ेगा पहले। तो तिरछी ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो इसका जो तिरछी ऊंचाई होगा, इसका जो तिरछी ऊंचाई होगा, तो यहां से अगर हम लोग इसको मिला देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा शंकु का? टोटल है 8, 2 माइनस हो जाएगा, यहां तक 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिज्या है। तो कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 2। तो ये निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, मान लें कुछ वैल्यू आ गया, 0 AB। तो त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में क्या हो जाएगा? AB = AB क्या है? तिरछी ऊंचाई है, त्रियक ऊंचाई, जिसको त्रियक ऊंचाई भी बोलते हैं। AB कितना हो जाएगा? L बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट ये हाई पाइथागोरस थ्योरम, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? 6 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 × 6 = 36 और 4 = 40। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 40 हो गया। अब 40 का वर्गमूल बोलिए कितना होगा? 40 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 × 4 × 10 = 40। तो 2 बाहर ले आएंगे तो 2√10।
और 10 का वर्गमूल कितना होता है, 2 गुना 3.16, तो कितना हो जाएगा, 14 12 के 2 हाथ में 1, 2 के 2 और 1 3, 3 दुना 6, ये हो गया 6.32 सेंटीमीटर, 6.32 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या ऊंचाई। अब इसका निकाल देते हैं CSA, ठीक, CSA अर्धगोला कितना निकला, 25.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, और L कितना निकला, 6.32 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा CSA शंकु, शंकु का CSA कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई आर एल, पाई का 22/7, एल कितना, आर कितना है 2 सेंटीमीटर, और एल कितना है, एल कितना है बताइए, 6.32, ये हो गया। तो इसको जो है गुना कीजिए, ये वाला गुना कीजिए, कितना होगा गुना करके, 2 2 4 2 4 44, 22 44/7 गुना 6.32, और इसको जो है इस भागा कीजिए, तो कितना होगा, 7 6 42, बचा 2, 2 जीरो दे दिए, तो 7 2 14, कितना बचा 6, और 60 हो गया, 57 56 8, लगभग इतना में कटेगा, इतना में कटेगा, तो दोनों गुना कर दीजिए, ये दोनों गुना कीजिए, 6.28 गुना 6.32, जो है ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना आ गया, 39.68 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब TSA हो जाएगा कितना, दोनों को जोड़ देंगे, अब यहाँ देखिए TSA कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़िए, 25.14 प्लस 39.68, तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, 9 और 5 14 के 4 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 64.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो निकल गया, ये आपका जो आइसक्रीम है वो आकृति जो है आइसक्रीम का TSA निकल गया। तो समझ में आया होगा, आज जोड़ घटा गुना भागा में गलती हुआ होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, इसमें बार बार नहीं बोलिएगा कि सर गुना में गलती हो गया आपको, ये सब नहीं बोलना है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ये जो है गुना भागा करके हम बना दिए, तो मेन कंसेप्ट जो इसका है वो समझिए कि TSA इस आकृति का आइसक्रीम का, CSA अपर्धगोला, ए अर्धगोला है, और CSA शंकु, ये शंकु है, दोनों पार्ट को निकाल दिए और ऐड कर दिए, समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, अब पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।